खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र के कई खाद प्रतिष्ठानों में रविवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई सामानों के सैंपल कलेक्ट किया। वही मिठाई दुकान से मिठाइयों के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। बताया गया कि होली त्योहार के मद्देनजर जांच अभियान चलाया गया। जांच में दुकानों के FSSAI लाइसेंस की भी जांच की गई। बताया गया कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नियमित रूप से खाद नुमानों का संग्रहण एवं खाद विश्लेषक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन होली में खाद सामग्रियों में मिलावट को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।